हेलो फ्रेंड्स, आज पहले तो सबसे ज़्यादा थैंक्स कि आपने मेरे उस वीडियो को इतना ज़्यादा देखा और लाइक्स किए और कमेंट्स किए। अब इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, थोड़ा सा एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, मुझे और इससे अच्छा, इससे बेहतर बनाना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर, ये भी देखिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना, सरल शब्दों में ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और जो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम राइट डाउन करेंगे। ओके, तो ये तो आपको पता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखिए, इनका जन्म 1871 जोडासाकू। जो कहां पर है? कोलकाता। और ठीक है, जैसे ये फिनिश हो जाएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मृत्यु इनकी 1951 एज यूजुअल कोलकाता। ओके, अब यहां पर आते हैं इनके गुरु। देखिए, इन्होंने दो लोगों से शिक्षा ली थी। पहले एक इटली के थे जो कि उनका नाम था ओ गिलहार्डी, सेकंड थे आपके सी पामर। गिलहार्डी और पामर, ठीक है, ये आपके इटली के थे और ये आपके अंग्रेज चित्रकार थे, यानी ब्रिटिश मान सकते हैं। ठीक है, इनसे इन्होंने ऑयल पेस्टल पोस्टर वाटर कलर सीखा। ओके, अब हम आएंगे कि इन्होंने अपना शिक्षण कार्य कहाँ पे किया। ठीक, कहाँ पे ये शिक्षक रहे, उपाचार्य रहे, प्रधानाचार्य रहे, और ये और इसमें एक चीज बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि ये कोलकाता में ही रहे। ठीक, ये कहीं और पढ़ाने नहीं गए। तो इनका शिक्षण कार्य देखिए क्या है। एटीन नाइन्टी एट में ये कोलकाता में उपाचार्य या वाइस प्रिंसिपल आप कह सकते हैं। अगेन ये 1905 टू 1915 प्रिंसिपल रहे। ओके, 1898 कोलकाता में उपाचार्य या वाइस प्रिंसिपल रहे, 1905 टू 1915 ये प्रिंसिपल रहे। अब इसके बाद यहां पर आता है चित्रण कार्य। देखिए, ये बहुत ही कहते ना कि बहुत ही शॉर्ट में है कि जन्म मृत्यु गुरु गिलहार्डी। ठीक है, अब इसमें और अब बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा, अगर हम कभी अपने नोट्स भी बनाते हैं या किसी और के बनाए हुए नोट्सों में आप अपना शॉर्ट्स ढूंढते तो वो देखिए देखने में लगता है कि हाँ 10-15 लाइन है, लेकिन अगर हम उसको अपने तरीके से लिखते हैं इंपॉर्टेंट नंबर वो मुश्किल से 6-7 लाइनों में खत्म हो जाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आए। तो चित्रण कार्य उनका क्या हुआ, या चित्र आप लिखिए, पहले तो यहाँ पे टेक्निक लिखेंगे। ये तो पता है, ये वॉश पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ओके, वॉश पेंटिंग, अब ये समझिए कि वॉश पेंटिंग इन्होंने कहां से सीखी। इन्होंने जापान के 1903 में ओकाकारू
ओका कारा हिशिदा और ताइकॉन। ठीक है, ये यहां पर आपके जापान से तीन कलाकार आए थे भारत में, जिससे इन्होंने ये इन्होंने पेंटिंग को सीखा। लेकिन इनका ये जो जापानी तरीके से ये बनाते थे उसकी उससे सीखकर इन्होंने ये भारतीय फ्यूजन दिया और ये पूरी तरीके से इस पद्धति से भिन्न है जो कि हमारी भारतीय वॉश टेक्निक है, जो कि बंगाल स्कूल के लिए एक बंगाल स्कूल का एक कहते ना कि एक वो पॉइंट है कि जिसके कारण ये बंगाल शैली बंगाल स्कूल पूरे भारत में फेमस हुआ। और इसी में इनके फोर पिलर्स कौन से थे, इनके खुद के स्टूडेंट थे असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, चितिननाथ मजूमदार और शैलेंद्रनाथ देव। ये इनके चार जो स्टूडेंट थे, कहा जाता है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर थे इस शैली के लिए, जिसने इस शैली को देश विदेश में विख्यात किया और हमारे भारतवर्ष की एक कहते ना कि एक मोस्ट पावरफुल अपॉर्चुनिटी या एक टेक्निक कहिए जो कि हमारी बंगाल शैली से उपजी। और किनके द्वारा उपजी, आपके अवनींद्रनाथ जी द्वारा। और इसके बाद इनके और विशेषते शारदा उकील, मनीष शिरे, समरेंद्रनाथ, ये सारे लोगों ने इस विधा को जगह जगह पर फैलाया, क्योंकि सब अलग अलग जगह पे शिक्षक कार्य किया और जहां पे उन्होंने इस शैली को डेवलप किया, फेमस किया। अब हम आते हैं इनके चित्रों पे। चित्र में इन्होंने चित्रांगदा के लिए, जो कि रविंद्रनाथ जी की थी, रविंद्रनाथ जी की चित्रांगदा के लिए इन्होंने कितने चित्र बनाए, 32 चित्र बनाए। और इन्होंने इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के मतलब रविंद्रनाथ जी के कहने पर, विद्यापति व चंडीदास, चंडीदास के लिए भी चित्रण कार्य किया। इतना ये समझ में आया, ये बहुत ही इजी वे में है। टेक्निक इनकी वॉश पेंटिंग थी चित्रांगदा के लिए। इन्होंने ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने चित्र बनाए, 32 चित्र। और किसके कहने पर, विद्यापति व चंडीदास के लिए चित्र, जैसे इनकी एक पदावली थी, जैसे कि कबीर की पदावली रहती है, आपके तुलसीदास की पदावली, उसी तरीके से इनके भी कुछ होंगे जिसके लिए इन्होंने चित्र बनाए। और मोस्ट फेमस 1918 में इन्होंने गीतांजलि के लिए, इन्होंने गीतांजलि के लिए भी चित्र बनाए। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट चीजें। चित्रांगदा के लिए 32 चित्र, विद्यापति व चंडीदास के लिए इन्होंने चित्र बनाए, गीतांजलि के लिए भी चित्र बनाए, जो कि आपकी नोबेल प्राइज से सम्मानित हुई है। और ये किसकी है, रविंद्रनाथ जी की है। अब इसके बाद इनका जो चित्रण कार्य आता है वो क्या है, चित्र या श्रृंखलाएं। श्रृंखलाओं में देखिए, सीरीज इन्होंने उमर खयाम, कवि कंकण, और कृष्ण मंगल। वह लैला मजनू इनके लिए इन्होंने सीरीज बनाई। अब इनके जो चित्र थे वो कौन से थे, ये तो बहुत फेमस चित्र, ये तो आप सभी को पता होगा, अरेबियन नाइट्स, बुद्ध सुजाता,
बुद्ध जन्म, ताज महल को देखता या निहारता शाहजहां, तिष्ठरक्षिता, पूर्णिमा, खोया हुआ बच्चा, महाकाल की धमकी, रविंद्रनाथ जी का महाप्रयाण। ठीक है, कहा जाता है कि रविंद्रनाथ जी की मृत्यु के बाद इन्होंने जो चित्र बनाया लास्ट जर्नी, या आप समझिए कि रविंद्रनाथ जी के मृत्यु के बाद जो भी चित्र बना उसके बाद इन्होंने अपनी तुलिका को विराम दे दिया था, त्याग दे दिया था। ठीक है, और ये जो दृश्य इनका था, ये जो चित्र था, अत्यंत मार्मिक था। एक कहते हैं ना कि चाहे आप एक कवि हो, चित्रकार हो, जब एक इंसान उस चीज़ पर बिल्कुल डिवोटेड होके वर्क करता है तो उसमें भावनाएं अपने आप से निखर कर आती हैं। कवि भी है, अगर लेखन करता है तो शायद उसके साथ जो भी घटित हुआ हो या बहुत अच्छे शब्दों का चयन होता है, उसी प्रकार एक जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार, उसने भी अपनी तुलिका के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और ये बहुत ही मार्मिक दृश्य, मतलब कहा जाता है इस पेंटिंग को कि सारी भावनाओं से ओतप्रोत था। ये हो गए आपके चित्र। अब हम आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, रब कर रही हूं। अब देखिए, बंगाल शैली के थे तो इनको यहां पे 1921 में, किसमें, 1921 में इन्हें बागेश्वरी प्रोफेसर के नाम से, मतलब इनको एक पद दिया गया था, बागेश्वरी प्रोफेसर विश्व भारती में। विश्व भारती द्वारा प्रोफेसर नियुक्त किया। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इनके, इनको ये कहते हैं ना कि एक पद दिया गया था बागेश्वर प्रोफेसर के द्वारा। अब इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में 1940, अब आप ये समझिए कि इन्होंने वुड पर भी काम किया है, लकड़ी के, उसमें इन्होंने मुखा आकृतियाँ बनाई है जो कि दिल्ली संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित हैं। तो आप ये भी एक पॉइंट लिखिए, 1914 में लकड़ी, यानी आप ये समझ लीजिए वुड को, वुड द्वारा मुखा आकृति, मुखा आकृतियां बनाई। मुखा आकृतियों से मतलब जैसे खिलौने हो गए, छोटी छोटी कोई चीजें हो गई, मुखा आकृतियां बनाई, जो कि कहां संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। इसके बाद
अब हम आते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें स्थापित की हैं या स्थापना करी. इन्होंने 1907 में सर जॉन वुडरॉक व गगनेंद्रनाथ जी के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी या एस्टैब्लिश किया उसको. ओके तो ये आपके देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सन हो गए हैं. 1921 में विश्व भारती द्वारा बागेश्वर प्रोफेसर नियुक्त किया गया. 1914 में इन्होंने वुड द्वारा मुखाकृति या खिलौने आप कह सकते हैं खिलौने वगैरह बनाए जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है. 1907 में सर जॉन वुडरॉक व आपके गगनेंद्रनाथ जी के साथ इन्होंने मिलकर ओरिएंटल आर्ट या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी जहां से रूपम पत्रिका प्रकाशित होती है आप सभी को पता है और इनकी बुक्स भी अवेलेबल हैं. बुक्स में इनकी षडांग को हम किससे जानते हैं सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग. ओके दूसरी बुक है इनकी द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी. इनकी दो बुक्स हैं षडांग. ये आपकी कहां से प्रकाशित हुई में उसी जहां पे इन्होंने ये ओरिएंटल क्लब या सॉरी ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी थी में ये वहां से प्रकाशित हुई. और इनकी सेकंड बुक क्या है द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी. और एक चीज की आप लोग हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन अगर कहीं पे भी मेंशन है तो उसे जरूर से जरूर देखिए. लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें इंग्लिश कुछ वर्ड्स हिंदी में नहीं समझ में आते हैं और लेकिन इंग्लिश में वो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में जैसे कि आप समझ लीजिए षडांग द सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया है. इसका जो आपका अनुवाद किया था वो महादेव जी ने किया था. और सेकेंड बुक है द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी. तो अब आप ये समझिए कि इस तरीके से ये चैप्टर कितनी छोटी तरीके से समाप्त हो गया कि कुछ कुछ चीजें बस इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हुई है. अब इसमें आप ये समझिए कि वॉश टेक्निक है वो कहाँ से आई बंगाल से आई. और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसमें मतलब इस तरीके से इसकी टेक्निक है ना कि कागज में कलर लगा के इसको पानी में भिगोया जाता है जिसके कारण एक्स्ट्रा कलर जो होता है वो पूरी तरीके से हट जाता है और उसके बाद रेखांकन किया जाता है और जहाँ ज़रूरत होती है वैसा कलर लगाया जाता है. तो इसका एक क्वेश्चन बना था कि जो आपका कागज है उसको कितने बार जल में भिगोया जाता है या डुबोया जाता है. तो आंसर इज आवश्यकता अनुसार यानी जितना आपके पास नीड है उतने बार उसको हम कागज को उसमें भिगो सकते हैं और उसमें उसके बाद रेखांकन करके चित्र बनाया जाता है. तो आप समझिए कि वॉश टेक्निक पूरे भारतवर्ष में फैल गई. ये आया और किसके द्वारा हुई अवनींद्रनाथ जी ने. और एक चीज अवनींद्रनाथ जी ने एक स्लोगन दिया था कि पुनरुत्थान भारतीयता की ओर पुनः चलो. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब कोई भी चीज है उसके लिए भारतीयता यानी आपकी इंडियन कल्चर को उसी में रख कर उसकी तरफ आगे बढ़िए उसमें कोई भी किसी भी तरीके का प्रभाव मत डालिए जो कि इन लोगों ने कर दिखाया. और मुझे लगता है कि जितने भी आगे आर्टिस्ट होंगे उन सभी ने वॉश टेक्निक में वर्क किया है. तो
ये इस तरीके से आज हमारा ये अवनींद्रनाथ जी का चैप्टर, इनकी जीवनी खत्म हुई। और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और, इन्होंने कोलकाता की दीवार पर, ठीक है, सॉरी, इन्होंने ये स्टार बना के या नोट बना के आप लिख सकते हैं कि इन्होंने कोलकाता की दीवार पर, मतलब कोलकाता कॉलेज, सॉरी, वॉल पर कच्छ देवयानी, कच्छ देवयानी का भित्ति चित्र बनाया है। आप फाइनली कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको चैप्टर कैसा लगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ओके। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम फिर इसी तरीके से एक नया और इजीली वे में समझाते हुए एक नया टॉपिक क्लियर करेंगे। और अभी हाँ, ये हम अभी कंटिन्यू आर्टिस्ट ही पढ़ेंगे, ओके। इसलिए आप लोग खूब 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 मेहनत करिए और पढ़ाई करिए। और आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ अगेन आई रिपीट कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि हम और अच्छा बनाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ, आप लोगों ने मतलब इस वीडियो को इतना सराहा और ढेर सारा प्यार दे के अपने शब्दों में उसको लिखा, जिसके कारण मुझे बहुत खुशी होगी। और आप प्लीज़ कमेंट करिए जिसके कारण मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।